अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिहा डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉन फैब्रिक में 8 से 9 साल की बच्ची के लिए गाउन की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए ये हमने प्लेन फैब्रिक लेते हुए इनर और कैप्री को कंप्लीट कर लिया है। ये प्लेन फैब्रिक हमने 4 गज़ लिया है, जिसमें हमने 31 इंच की लेंथ में ये कैप्री तैयार की है और इनर की लेंथ हमने 28 इंच रखी है। ये हमने 3.5 इंच के फासले पर प्लेट्स लगाई हैं, जिससे इनर बहुत ही यूनिक लग रहा है। ये गाउन हमने प्रिंटेड फैब्रिक में तैयार करना है। ये 1.5 गज में लिया है, ये काफी चौड़े अर्ज में है। इस मेथड को फॉलो करते हुए आप ये गाउन फैंसी कपड़ों पर भी बना सकते हैं। कटिंग से पहले मैं आपको इसका साइज बता देती हूँ। गाउन की लेंथ हम 33 इंच पर तैयार करेंगे, जबकि इनर की लेंथ हमारी 28 इंच है। गाउन की लेंथ हम 5 इंच उससे ज्यादा रखेंगे। तीरा हमने 12.5 इंच पर तैयार करना है। चेस्ट हम 15 इंच पर तैयार करेंगे। घेर हम 27 इंच पर तैयार करेंगे। बाजू हम 15 इंच पर तैयार करेंगे। कटिंग के लिए सबसे पहले हम इस किनारे वाली साइड को उतार लेंगे। फ्रेंड्स, 33 इंच पर हमने गाउन तैयार करना है। नीचे बढ़ा के 1 इंच की हमने स्ट्रिप लगानी है। तो ये देखें, सिलाई और कटिंग का मार्जिन रखते हुए हम 34 इंच पर इस कपड़े को अलग कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। ऐसे ही इसके दूसरे हिस्से को भी फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। ये देखें, इसको फोल्ड करने के बाद कुछ रेब आ चुकी है, हम इस तरह उसे सीधा कर लेंगे। अब हम तीरे का साइज करेंगे। तीरा हमने 12.5 इंच तैयार करना है। तो सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये तीरे का साइज हमने 7.5 इंच रखा है, तो ये आर्म होल के लिए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे। इंची टेप को इस तरह रखते हुए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। गाउन हमने स्ट्रेट रखना है, स्केल को इस तरह रखते हुए हम निशान लगाएंगे। यहाँ आर्म होल के लिए हम राउंड में शेप देंगे और ये शोल्डर की तिरछी कटिंग हम कम करेंगे आम सूट की निस्बत से, क्योंकि ये बैंड टाइप का गला है। मार्जन रखते हुए हम कटिंग करेंगे। यहाँ से हम हल्की सी शेप देंगे। ये चेस्ट के लिए हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। घेर में हल्की सी हम राउंड शेप देंगे। ये देखें, इंची टेप को 2 इंच की दूरी पर रखते हुए हम निशान लगाएंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। ये फ्रंट के पार्ट को अलग करते हुए अब हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से 1 इंच की दूरी पर इस तरह निशान लगाएंगे गुलाई में और कटिंग करेंगे। अब हमने गले की कटिंग करनी है। इनर का गला हमने 5 इंच पर तैयार किया है और गाउन के लिए हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे। और इसकी गहराई के लिए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ 1 इंच की चौड़ी हमने स्ट्रिप लगानी है, तो 1/2 इंच की दूरी पर हम एक और निशान लगाएंगे। यहाँ से गोल शेप देते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ से गुलाई देनी है यहाँ तक। अब हम इसके सेंटर से भी काट लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ हमने गले और फ्रंट और बैक के घेर पर हमने 1 इंच की चौड़ी स्ट्रिप लगानी है। तो उसके लिए हमने प्लेन फैब्रिक से साइज करते हुए स्ट्रिप को अलग कर लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और यहाँ 1 इंच की चौड़ी हमने बुकरम की स्ट्रिप काटी है, जो हम यहाँ पेस्ट करेंगे। ये फोल्डिंग के लिए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे प्रेस करेंगे। ये स्ट्रिप हमने चिपका ली है। अब इस कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इसे ऐसे पलटेंगे और यहाँ प्रेस कर लेंगे।
ये साइड की कटिंग में से जो पीस बचे हैं हम एक इंच की चौड़ी स्ट्रिप निकालेंगे और इसे इस्त्री की मदद से फोल्ड करेंगे और इस बड़ी स्ट्रिप के सेंटर में लगाएंगे। ऐसे ही साइज करते हुए हम और स्ट्रिप भी निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह लगानी है। 15 इंच पर हमने बाजू तैयार करने हैं और आगे हम 1 इंच की स्ट्रिप लगाएंगे। तो सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम 15 इंच पर ही इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। व्यूअर्स, आर्म होल की कटिंग हमने 7.5 इंच पर की थी, तो सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे बाजू की चौड़ाई के लिए और यहाँ से 3 इंच की दूरी पर इंची टेप को रखते हुए हम निशान लगाएंगे। बाजू की कटिंग के लिए हम इस तरह निशान लगाएंगे। मोरी का साइज हम 5 इंच तैयार करेंगे, तो सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से 2 इंच की दूरी पर हम निशान लगाएंगे। ये देखें इसकी 2 लेयर उठाते हुए हम कटिंग करेंगे। और यहाँ सेंटर में कट लगा लेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम स्टिचिंग करेंगे। बैक के गले की कटिंग हमने नहीं करनी। अब हम सबसे पहले शोल्डर ज्वाइन करेंगे। चेस्ट के लिए इंची टेप को इस तरह रखते हुए हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे। इन निशानों के ऊपर हम दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। व्यूअर्स, ये फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम घेर पर स्ट्रिप लगाएंगे। ये देखें गाउन की उल्टी साइड पे हम स्ट्रिप को इस तरह रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये फ्रंट और बैक के घेर पर हमने स्ट्रिप लगा ली है। अब फ्रंट पार्ट पर हमने ये स्ट्रिप लगानी है, तो इसके लिए ये देखें इसकी ये सीधी साइड है, इसको इस तरह रखेंगे, सिलाई लगाएंगे। गले के एंड में जहां हमने गुलाई की शेप दी थी, अब इस स्ट्रिप को भी ऐसे गुलाई की शेप देते हुए हम यहां सिलाई लगाएंगे। अब यहां से हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहां से भी फोल्ड करते हुए हम यहां रखेंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये हम गले वाली जगह से इस तरह कट लगाएंगे। अब ऐसे ही दूसरी स्ट्रिप को भी हम इसी तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, इसके किनारे पर भी सिलाई लगाते हुए हमने ये कम्प्लीटली स्ट्रिप लगा ली है। व्यूअर्स, ये ब्लू स्ट्रिप को भी हमने आयरन की मदद से फोल्ड करते हुए आधे इंच पर तैयार कर लिया है। ये बैक के गले के सेंटर से लगाएंगे और कम्प्लीटली ये ब्लू स्ट्रिप भी हम लगा लेंगे। और सुई को इस तरह ठहराते हुए हम इस रुख पे मोड़ेंगे। ये देखें यहाँ से अब हम इसको कट कर लेंगे और इन दोनों को आपस में इस तरह जोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हमने इन दोनों को आपस में जोड़ लिया है, अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ब्लू स्ट्रिप लगा ली है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखें, और सेम इसी तरीके से हमने बाजू पर भी स्ट्रिप्स लगा ली हैं। अब हम गाउन के साथ बाजू को अटैच करेंगे स्टिच करते हुए।
सिलाई को हमने यहाँ रोक लिया है। ये देखें बाजू की हमने एक्स्ट्रा कटिंग की थी और ये फ्रंट के आर्म होल की भी। अब हम इन दोनों को आपस में टच करेंगे इस तरह साइज करते हुए और यहाँ हम सिलाई ख़त्म करेंगे शोल्डर के सेंटर और बाजू के सेंटर को आपस में इस तरह टच करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये ऐसे ही हम राउंड में सिलाई लगा लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स ये हमने दोनों बाजू स्टिच कर लिए हैं और साथ ही हमारा गाउन तैयार हो चुका है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आप यहाँ हुक और बटन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं लेकिन ये मैंने ओपन रखना था। ये देखिए पहने हुए दरमियान से ये देखें इतना गैप आ जाएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।